अभी हम लोग निकल चुके हैं पूर्णागिरी दर्शन के लिए। हम लोग ने टनकपुर से जो है टैक्सी ली, और टैक्सी का जो किराया है ऊपर जाने का, ये टैक्सियां सिर्फ टोली घाट तक जाती हैं जो कि टनकपुर से चलती हैं, और इनका किराया है 40 रुपये। ये 40 रुपये, 40 से 50 रुपये चार्ज करती हैं आपको, और आपको लेके जाएंगी टोली घाट। फिर हम वहाँ से दूसरी टैक्सी पकड़ेंगे, और सबसे पहला ये स्टॉप है जहाँ पे चेक पोस्ट है। यहाँ बूम मंदिर है, बूम आश्रम भी है, और जब मेला लगता है तो यहाँ भीड़ बहुत होती है, लोग पैदल भी यात्रा करते हैं, साइकिल से, ठेले से, और अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं यहाँ पे, दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। ये आ गए हम लोग तो अभी हम लोग पूर्णागिरी पहुंच चुके हैं टोली गेट घाट पे, पे। जो कि हमारा पहला स्टॉपेज है, और यहाँ पर टैक्सी भी चेंज होगी। अब यहाँ से हमें दूसरी टैक्सी पकड़नी पड़ेगी जो कि वीडियो बनेगा हमें तभी ऊपर ले तो जाएगी। नाश्ता कर लो। यहाँ पर साल का पहला दिन है यहाँ भंडारे के लिए कुछ जिसको आइटम लगे हुए जिसको बनाना चल रहा है। भंडारा करते हैं, नाश्ता भंडारा। और यहाँ से टैक्सी में जाने का जो किराया है वो 30 से 50 रुपये चार्ज करते हैं पर आदमी का, और वहाँ से जो है खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है माता जी की, जो कि सीढ़ियाँ हैं, और गाड़ियाँ सिर्फ वहीं तक जाती हैं। अगर आप यहाँ से भी चढ़ाई करना चाहें तो यहाँ से भी चढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ से पैदल यात्रा करते हैं सीधा माता जी के मंदिर तक की, तो अपनी अपनी श्रद्धा है सबकी। ये शेरमुखी पहाड़ है जिसका मुख जो है माता रानी के मंदिर की तरफ से है, काफी अच्छा है। और ये इस रास्ते का, इस चढ़ाई का जो है पैदल यात्रा का आखिरी ब्रिज है, इसके बाद कोई ब्रिज नहीं पड़ता है। ये सबसे आखिरी ब्रिज यही है यहाँ का चढ़ने का, और ज्यादातर गाड़ियाँ जब भीड़ रहती है तो गाड़ियाँ ना यहीं हो खड़ी हो रही जाती भैया है, फिर हम लोग उतर के यहीं से पैदल जाना यहाँ तो पड़ता ठंडी है। खत्म हो गई अभी वो गर्मी आ इसके जाएगी। आगे पार्किंग है जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और आपको वापसी में गाड़ियाँ आपको यहीं से मिलेंगी पुरानी चीज जाने मिली थी के लिए। क्या हरदोई में दान अभी हम मिली थी आ गए हैं चढ़ाई के मेन गेट पे, जहाँ से हम नीचे उतरेंगे और बाईं ओर जाएंगे तो चढ़ाई होगी माता जी की, और दाईं ओर जो है आपका भैरव बाबा का मंदिर है। तो लेकिन पहले हम माता जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। अभी हम आ गए हैं शेर चौराहा। यहाँ से दो रास्ते हैं, सीधी खड़ी चढ़ाई है, और इधर जब आप जाएंगे तो इधर स्टेप कम है। दर्शन चालू होने वाले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर दर्शन के लिए, बहुत ठंडी है। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, पैरों में छाले पड़ गए। हालांकि अभी हम यहाँ दर्शन नहीं करेंगे, पहले ऊपर से माता जी के दर्शन करके आएंगे, उसके बाद यहाँ दर्शन करेंगे। बहुत सीढ़िया है भाई, ठीक है, ठंडी
ये चढ़ाई का मेन मुख्य द्वार है माता जी का। यहाँ से आपकी मेन खुली चढ़ाई शुरू होगी। अब यहाँ से हमें सिर्फ खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ मिलेंगी चढ़ने के लिए। चलिए पहुँच के आगे दिखाता हूँ। अभी तक हवाएं ठंडी लग रही थी, अब अच्छी लग रही है। अभी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है भाई। आपने देखा यहाँ पर सामान ऐसे ढो जाते हैं। हाँ बहुत सीढ़ियाँ हैं भाई, चलते रहना है। चले रहो, मजा आएगी। अभी तो आता हुआ है। चलते और आगे। बस पहुंच गया। ये रास्ता जो है दर्शन करके वापस आने का है, ये रास्ता जाने का है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे माता के, फिर उसके बाद आगे क्या होगा दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ। बने रहिए। अरे डॉगी कहाँ टहल रहा है। मंदिर आके बहुत बढ़िया भीड़ है, लाइन भी लगी हुई है। ये है मंदिर, यहाँ जाना है हमको। पंडित जी ऊपर कुछ कर रहे हैं। देखिए बहुत बढ़िया मस्त। और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं माता जी के मंदिर पे। सामने मंदिर है और दर्शन अब हो जाएंगे और आपको भी करवाते हैं, हम भी करते हैं दर्शन और बोलते हैं जय माता दी, दर्शन करें। ये जो सामने दिख रहा है मंदिर, जो फूलों से लदा हुआ है, बिल्कुल हमारी माता जी हैं वहाँ पे। और मेन मंदिर जो है वहाँ नीचे है, जो छोटा सा गहरा सा वहाँ पे है, गर्भगृह है माता जी का, वहीं पे उधर माता जी हमारी मेन है। और दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। तो फाइनली दर्शन हो गए, सुबह से लाइन में लगे थे और 2 घंटे लग गए दर्शन होते होते, लेकिन हो गए। ये है सुंदर नजारे। ये नदी नेपाल की है, नेपाल में है ना नदी। नदी फाइनली दर्शन हो गए और वापस आने की तैयारी हो रही है। बहुत भीड़ थी, 2 घंटे लग गए। ऑफ सीजन है,
भीड़ तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे आज, कल बहुत भीड़ थी। जब भी सीजन में आएंगे ना बहुत भीड़ मिलेगी आपको, हालांकि बिना सीजन था 2 घंटे लग गए दर्शन करने में। अच्छा है जनवरी का महीना है, 2 तारीख है, ओ क्या बात है, मज़ा आ गया। चलिए आगे मिलते हैं। यहाँ बहुत सारे खिलौनों के, श्रृंगार के और अंगूठे या फिर बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर सामान की कीमत 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक और 500 रुपये तक भी होती है। और अगर आप प्रसाद लेके जाना चाहते हैं घर तो प्रसाद ले लीजिए। आप यहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आपकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं जो बाकी और जगहों पर नहीं मिल सकती, इसलिए पहले देख लें, परख लें, उसके बाद जो लेना हो ले लें। देख लो दर्द वाला तेल, जंगल की जड़ी बूटियाँ, दर्द का तेल है, लगा के देख लो, लगाने की सेवा फ्री। चलो ये मुंडन कराने की स्थान है, अगर आपको मुंडन कराना है तो यहाँ मुंडन करवा सकते हैं, जिसकी फीस है 281 रुपये। बताइए रहे हैं क्यों नहीं बोल रहे हो? आ गया भाई झूठा मंदिर। झूठा क्यों बोलते इसको? डल के से मूर्ति खाई गई। मूर्ति है ही नहीं है। सोने कर लिए। झूठा मंदिर आप जब आएंगे तो यहाँ पर दो रास्ते होंगे, एक सीढ़ी वाला होगा और एक बिना सीढ़ी वाला, जो जिसपे सीढ़ियाँ कम हैं तो आप चाहे तो इधर से भी जा सकते हैं, और जहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत कम है अगर किसी के पैरों में दिक्कत हो तो वहाँ से चला जाए। ये झूठा मंदिर है भाई, झूठा क्यों बोलते हैं यार, इसकी कहानी मुझे पता नहीं है। पता चलेगा तो बताऊंगा। झूठा मंदिर पर दो रास्ते आते हैं, एक सामने से आता है जो सीढ़ियों वाला होता है, एक ये रास्ता जिसपे हम जा रहे हैं, इस पे सीढ़ी नहीं होती है लेकिन रास्ता लंबा है। और ये नज़ारे हैं यहाँ के मस्त। चलिए अब यहाँ से हम लोग जाएंगे भैरव बाबा मंदिर जो कि नेपाल में है। अभी जो रास्ते पे हम लोग आ रहे हैं, ये रास्ता जो है पैदल यात्री मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है, जिनको दिक्कत होती है चढ़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, वो लोग यहाँ से रास्ते से आते हैं। और ये रास्ता जो है पूरा आप देख सकते हैं ऐसे बराबर है, और जगह जगह पे बैठने के लिए सरकार ने बनवा रखे हैं, जो थक जाता है वो वहाँ पे आराम करता है बैठ के। और हम लोग तो अब यहाँ से चलेंगे, दर्शन हो गए माता के, अब यहाँ से चलेंगे हम लोग नेपाल, यहाँ पे सिद्ध बाबा है और उनके दर्शन करेंगे। सिद्ध बाबा के दर्शन होंगे तब आपको बताते हैं। आगे भैया वापस, ये है वो मुख्य द्वार, मेन द्वार मतलब जहाँ पे हम लोग मतलब दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता पैदल वाला जिसमें सीढ़ियाँ नहीं है, और एक वो रास्ता जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। वही देखा आगे चल रही है, बाबा जी का धाम है,
हम यहीं रुकते हैं जब भी आते हैं। आप कभी रुकना हो तो यहीं आइए, खाना रहना फ्री। कोई बस बाबा जी के दरों में नांद चढ़ा करिए और वापस आ गए हम लोग वापस बाबा जी के पास। अभी हम लोग आए हैं भैरव बाबा मंदिर, जो कि पूर्णागिरी में ही पड़ता है, और हम लोग यहाँ दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर वापस चलेंगे टनकपुर के लिए। जय हो। ये है भैरव मंदिर। ये है भैरव मंदिर।